बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो। क्यों भाई गाना सुनकर इधर उधर कहाँ देख रहे हो, इसी सूट बूट में तो अब आप दिखोगे। एक बड़ी सी टॉप एमएनसी में प्लेस 15x20 के स्पेशियस कैबिन में कंफर्टेबल से चेयर पर मेरे हुनहार मैनेजमेंट MBA प्लेस्ड भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च BVIMR के स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं हायर एजुकेशन टीम की तरफ से आपको सभी को आज की वीडियो का टॉपिक बता देती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है MBA@BVIMR भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। मेरी ऑडियंस यानी कि आप लोग सपने देखें या ना देखें, मैं और मेरी टीम हायर एजुकेशन सिंप्लीफाइड आप सभी के लिए उन सपनों को देख भी लेती है, सपनों को साकार करने का रास्ता भी ढूंढ लाती है और रिव्यू कर हम आप तक भी ले आते हैं सच्ची इंफॉर्मेशन। अब अपने मुंह मियां मिट्टू क्या ही बनना दोस्तों। वैसे ये बात तो सच है, हमने ये चैनल अपने उस एक्सपीरियंस की वजह से लॉन्च किया कि हम ये एक सर्विस ही कर दें अपनी फ्यूचर जेनरेशन के लिए, जो इस भारी कंपटीशन की दुनिया में जिनमें से किसी को भी हार ना देखनी पड़े। पर पते की बात तो ये है कि अगर हमारे टाइम पर ऐसा होता, ऐसा कोई चैनल होता या रिव्यू वीडियोस का ट्रेंड होता तो हम भी पता नहीं आज क्या कर जाते। आप सभी को ये बता दूं दोस्तों कि नाउ यू हैव इनफ ऑफ रिसोर्सेज कि आप घर बैठे ही बैठे अपना माइंडसेट बना सकते हो। रिव्यू फीडबैक लेना चाहो या कोई टूरिस्ट प्लेस रिव्यू लो या फिर कोई ब्रांड हो या आइटम हो या फिर कोई भी ऐसा कॉलेज कोर्स जिसके बारे में आप को गूगल या यूट्यूब की दुनिया ना बता सके, इस गूगल और यूट्यूब की दुनिया ने सभी कुछ आसान कर दिया है। इसमें छोटी सी मेहनत ये होती है कि आपको सही और गलत क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पता लगाना होता है। अब तो आप कहेंगे ना कि हायर एजुकेशन सिंप्लीफाइड इज अ ब्लेसिंग फॉर यू ऑल, वी गिव अ फेयर रिव्यू ऑफ कॉलेजेस। दोस्तों कोर्सेज चाहो या कॉलेजेस हो, ऑल्सो रियल टाइम फीडबैक भी हम आपको देते हैं जिसमें हम आप वी कनेक्ट यू विद स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग करंटली। इसको हमारी लैंग्वेज में फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, रिसर्च की लैंग्वेज में। अब इसी बात पे जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जब पूरी वीडियो देख लें तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। और ये क्या, टेलीग्राम की फ्लाइंग डोर को तो पकड़ना भूल ही गए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो के साथ। वादा किया है निभाना पड़ेगा, हमने आप लोगों से वादा किया था अपनी पिछली वीडियो में जब हम आपके लिए स्टिंग ऑपरेशन करके लाए थे और क्लियर रिव्यू के तहत हमने BVIMR मतलब भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के कोर्सेज पर अपनी एक वीडियो बनाई थी। अगर नहीं देखी तो परेशान मत हो, देख लेना। तभी आपकी रिक्वेस्ट बहुत सारी भी आई, क्वेरीज भी आई और आज हमने तब के QA प्रॉमिस को निभाया है और आप लोगों के लिए बनाई है MBA@ भारतीय विद्यापीठ BVIMR पर ये वीडियो। अराउंड 1991 से एस्टेब्लिश है ये BVIMR का कैंपस। ये ग्राउंडेड, सिंपल और ऑथेंटिक कैंपस है दोस्तों। जमाना तो बहुत हाईटेक हो चला है, चमचमाती बिल्डिंग, शीशे वाली इमारतों का जमाना है दोस्तों। बट इस जमाने में भी भारतीय विद्यापीठ का ये सिंपल येट एक्सक्लूसिव कैंपस अपने आप में ही खास है दोस्तों। पेंट के एड में भी सुनते हैं ना, बाहरी दीवारें सुंदर बनाए, पर अगर कोई चीज आपको दोनों सुंदर और दमदार भी हो तो आप किस तरफ जाएंगे। BVIMR की भी कैंपस की यही बात है। जितना सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड इनका ये कैंपस है, बिल्डिंग है, वहीं दूसरी और उतना ही स्पेशियस, ग्रैंड और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है BVIMR का, वो भी इन द कोर हार्ट ऑफ दिल्ली, जहां 2BHK घर बनाने की भी मारा मारी है दोस्तों। तो बाहरी दुनिया के साथ साथ इनकी अंदर की भी दुनिया बहुत स्ट्रांग और दमदार है। BVIMR सिंस 1991 के
पश्चिम बिहार में एस्टेब्लिश्ड है। इसके कैंपस का गेट नंबर 3 और मेट्रो स्टेशन का गेट बिल्कुल जुड़े हुए आमने सामने वाले पड़ोसी जैसी बात है दोस्तों। बोले तो पश्चिम बिहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन के गेट से बाहर आओगे तो भारतीय विद्यापीठ कैंपस का गेट नंबर 3 ही आपको दिखाई देगा। सही समझे, इस बात से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेट्रो कनेक्टिविटी भी बहुत एक्सेसिबल है इस कैंपस की। वैसे तो इनका मेन कैंपस पुणे में और यहाँ दिल्ली में इनकी वन ऑफ दी 187 इंस्टीट्यूशंस की एक विंग है। भारतीय विद्यापीठ दिल्ली कैंपस में बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जहाँ डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। कुछ कोर्सेज GGSIPU से एफिलिएटेड हैं और कुछ कोर्सेज इनका ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस नाम भारतीय विद्यापीठ का इम्पैक्ट फैक्टर भी बताया था। इस नाम मतलब भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी या इनके कॉलेजेस का इम्पैक्ट फैक्टर बताया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ एक वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कोर्स MBA के बारे में। BVIMR आपको MBA भी कराता है जो इनका डीम्ड यूनिवर्सिटी भारतीय विद्यापीठ पुणे से एफिलिएटेड है। हर एकेडमिक बॉडी में A या A+ ग्रेड पे स्टैंड करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपने 2022 के सर्वे में इन्हें 7th रैंकिंग पर मार्क किया था अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। ये A+ ग्रेड कॉलेज है इनका BVIMR, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। इनके पास इतना बड़ा प्लेग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, टेम्पटिंग डेलिकेसीज वाला कैफेटेरिया, एनरिच लाइब्रेरी, एजुकॉम सिस्टम फिट क्लासरूम, अरे वही प्रोजेक्टर वाली। फेस्ट ट्रिप्स भी इनके यहाँ A+ लेवल के ही होते हैं। और अगर अब आप इनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी जुबानी सुन रहे हैं और वीडियो के तहत देख रहे हैं तो बता दूं, वैसे बताते हुए सोच रही हूँ शायद ही आप में से ऐसा कोई हो जिसने आज तक भारतीय विद्यापीठ का नाम सुना ना हो। ऐसी कोई भी शायद ही MNC हो जो यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए ना आती हो। जैसे स्टूडेंट में एक चार्म होता है ना दोस्तों टॉप स्कूल या टॉप कॉलेज में पढ़ने का, ऐसे ही MNC का भी बहुत इंटरेस्ट होता है क्रीम बच्चा पिक करने का, टॉपर्स, गुड लेवल्स, गुड ग्रेजुएट्स को पिक करने का। तो उसके लिए MNCs भी भारतीय विद्यापीठ कॉलेज के लिए ऑल फील्ड मतलब ऑल कोर्सेज के लिए टॉप प्रेफरेंस रहता है। MNC की भी आंखें भारतीय विद्यापीठ के स्टूडेंट्स के लिए टिकी रहती है। सो इससे क्या कैलकुलेशन निकलती है दोस्तों, भारतीय विद्यापीठ एक्चुअली ग्रूम स्टूडेंट्स इन एन ऑल राउंड मैनर। प्लेसमेंट के लिए यहाँ तो आपको कोई फिकर ही नहीं करनी है दोस्तों। आजकल सबसे बड़ी टेंशन इसी चीज की है कि कॉलेजेस पहले बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और बाद में प्लेसमेंट के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं होता है। इसी बात के लिए तो आपको टीम हायर एजुकेशन सिंप्लीफाइड श्योरिटी दे सकता है। हमने यहाँ पर फील्ड एक्सपेरिमेंट जो करा है ना, यहाँ पर हमें ऑल कोर्सेज के बच्चे मिले और हमने स्टडी करा। They have a different TNP cell, means training and placement cell, वो भी बहुत super active वाला cell है इनका। Last package अगर हम MBA की बात करें तो 36 lakhs का गया है दोस्तों। छोटी मोटी बात मत समझो, इतने बच्चे मिले पर एक भी बच्चे ने यहाँ पर हमें पढ़ाई और ग्रोथ को लेके कुछ भी नहीं गलत बताया। और बच्चों ने ही अपने सीनियर्स का ये लास्ट ड्रॉन पैकेज बताया है, हम किसी भी फैकल्टी या स्टाफ मेंबर से तो मिले ही नहीं। अब बस हमें कुछ UG के ऐसे कोर्सेज मिले, मींस ऐसे कोर्सेज के बच्चे मिले जिन्होंने थोड़ी सी उदासी से हमें नेगेटिव फीडबैक में ये कहा कि कैंपस तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत 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 अच्छा है, कमी बस ये है कि हमारे यहाँ पे ना UG कोर्सेज वाले बच्चे ज्यादा कह रहे थे कि यूनिफॉर्म लगी हुई है। ये बोलने के बाद वो थोड़े से कन्विंस्ड भी थे, पर हमें इसके बदले उन्होंने एक सिक्योर्ड फ्यूचर, सिक्योर्ड लाइफ और करियर स्टेबिलिटी वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि हम थोड़े से उदास तो रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म लगी हुई है, बट हम जब देखते हैं कि हमारा फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है, हमारी लाइफ और करियर में कितनी स्टेबिलिटी है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये कमी
कहानी हम लोगों के सामने आई दोस्तों। वैसे एमबीए की बात कर रही हूँ तो मुझे लगता नहीं है और ना ही मुझे कोई ऐसा एमबीए का स्टूडेंट मिला जिसने हमें यूनिफॉर्म के लिए फोकस करा और कहा कि एमबीए में यूनिफॉर्म है। और हाँ हाँ, ये कैसे बताना भूल गई, काफी बॉयज ने नेगेटिव फीडबैक नहीं कहूंगी बस एक कमी उन्होंने हमें बताई कि इनके पास ना कैंपस के अंदर गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज के लिए फैसिलिटी कैंपस के बाहर है। तो ये हमें एक छोटी सी कमी नजर आई जहां पे हमें लगता है कि भारतीय विद्यापीठ वालों को काम करना पड़ेगा। तो BVIMR आपको कराता है दोस्तों कुल मिलाके 2 इयर्स का MBA प्रोग्राम, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑल इंडिया BMAT एग्जामिनेशन, जिसकी इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट BVIMR.com पर अवेलेबल है और फॉर्म भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने जरूरी हैं दोस्तों, तभी मिलेगा आपको अपना सपनों का ये कॉलेज। टोटल सीट्स अगर मैं आपको बता दूं तो एमबीए में इनके पास 180 सीट्स है। एडमिशन लेने की मारा मारी तो यहाँ रहती है, ये तो बहुत आम बात है BVIMR या भारतीय विद्यापीठ के लिए, क्योंकि कतार जो है ना भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लेने वालों की वो बहुत लंबी है। BMAT 23 देना जरूरी है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ MBA में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा। इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30th मार्च है, एग्जाम की डेट 9th अप्रैल है। अभी देर ज्यादा नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा, जल्दी फॉर्म फिल कर ले, अच्छे ग्रेड से एग्जाम क्लियर करें और फिर एडमिशन के लिए BVIMR में अप्लाई करें। कड़ी मेहनत पर ही फल मिलता है दोस्तों, सिर्फ एडमिशन लेना ही काफी नहीं है, मेहनत करके अपनी मंजिल को हासिल भी करें। मेरी गुड विशेस आप सभी के साथ हैं, मुझे इसके बदले बस जरा सा सब्सक्राइब लाइक और शेयर भरा प्यार देना ना भूलें। तब तक के लिए हम मिलेंगे फिर से आपको अपने नए वीडियो नए कंटेंट के साथ।